हमारे अदर टाइप का गवर्नमेंट मिलता है हमको इस चैप्टर में, वो है हमारा मोनार्क सिस्टम या फिर करें मोनार्कियल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, किंग रूल करता है, किंग और क्वीन। सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इट वॉज रूल बाय किंग और क्वीन। दूसरा पॉइंट क्या था, मोनार्क सिस्टम में यहाँ पे एक हेरिडिटरी प्रोसेस चलता है, हेरिडिटरी सिस्टम। जैसे कि वहां पे हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आफ्टर ए फिक्स टाइम ऑफ पीरियड पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं, हेरिडिटरी सिस्टम मतलब राजा के बाद उसका जो बेटा होगा वो क्या बनेगा, राजा। तो वहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के बाद उसका राजा बेटा बनेगा, फिर उस बेटे के बाद उसका राजा बेटा बनेगा। तो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, लोगों के पास राइट नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सके या फिर इलेक्ट कर सके। तीसरा क्या है, लोगों के पास ये भी राइट नहीं है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपोज कर सके, डिड नॉट हैव एनी राइट टू अपोज गवर्नमेंट पॉलिसीज। चौथा क्या है, लोगों के पास ये भी राइट नहीं है कि गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकें, पीपल डिड नॉट हैव राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये हो गया हमारा मोनार्क सिस्टम या फिर कहिए मोनार्कियल गवर्नमेंट।